अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ओपन पोर्स के हवाले से और इसके इलाज के बारे में। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो फ्लॉलेस हो, ग्लो करें। तो आप घर पर आसानी के साथ चंद चीज़ों से सिर्फ अपने स्किन को ग्लो, टाइट और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस कर सकती हैं। और वो ख्वातीन जो होम मेकर हैं, यानी कि घर पर कुकिंग वगैरह करती हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। किसी भी चीज़ को ट्रीट करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगी कि ओपन पोर्स होते क्या हैं। देखिए, ओपन पोर्स होना नॉर्मली है, क्योंकि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन को ये हाइड्रेट रखते हैं और जितने भी टॉक्सिन्स या डर्ट वगैरह होते हैं इसको ये रिमूव करते हैं। लेकिन जब ये पोर्स बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसमें जो है वो डस्ट वगैरह जो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स और ब्लैकहेड्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो और ये आपके फेस को डल कर देते हैं। इसके होने की जो मेन वजह है वो है, एक तो जेनेटिक्स है, सही, दूसरा जो है वो एज है। एज की वजह से जो है वो फेस में जो इलास्टिसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए पोर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, सही। और वो लोग जो फेस अच्छी तरीके से वॉश नहीं करती या करते हैं तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा है ओपन पोर्स के बढ़ जाने का। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है कि हमारे पोर्स जो है वो ऑयल की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्स की इनलार्जमेंट हो जाती है। इसके अलावा जो है वो एक्सेस मेकअप की वजह से भी होता है। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोज हो रही है तो ये भी एक मेन कॉज है। और जो ख्वातीन या मेल जो है वो स्मोकिंग करते हैं तो ये भी मेन कॉज है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ओपन पोर्स को श्रिंक करने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है एलोवेरा, ये बहुत ही बेस्ट है फॉर ओपन पोर्स। ये आपकी स्किन को टाइट करती हैं, श्रिंक करते हैं ओपन पोर्स को और आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखती हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। इसको इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने एलोवेरा जेल लेना है, उसे आपने फिंगर की मदद से स्किन पर ओपन पोर्स पर अप्लाई करना है, सही। अच्छी तरीके से आपने मसाज करना है, कुछ मिनट तक, 5-6 मिनट आराम से आप मसाज करें और इसके बाद उसे उसमें लगे रहने दें 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद आपने एक बाउल में ठंडा पानी डालना है और उसे कपड़े की मदद से अच्छे से साफ़ करना है। ये काम आप दिन भर में 2 दफ़ा करेंगी और रोज़ाना आपने इसको करना है। तो इस तरह जो है आपके स्किन पर जो ओपन पोर्स हैं इसको ये श्रिंक करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, तो इसका इस्तेमाल भी आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि एप्पल साइडर विनेगर आपने इसका भी इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस में काम नहीं आता बल्कि ये स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है। ये आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करेगा और साथ साथ आपकी स्किन को भी टाइट करेगा, तो आपने इसका इस्तेमाल भी करना है, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है कि आपने एक कप लेना है, उसमें आपने डालना है 2 खाने के चम्मच भरकर एप्पल साइडर विनेगर और 2 खाने के चम्मच भरकर पानी। इसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इसे हम डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं, सही। और इसके बाद आपने एक कॉटन बॉल लेना है, मीन्स रुई लेना है, और रुई की मदद से इसे आपने अच्छी तरीके से अपने स्किन पर लगाना है। आपने कोई मसाज नहीं करना है, आपने सिर्फ इसे लगाना है और लगाकर इसे आपने सो जाना है। और सुबह उठकर आपने जो है इसे वॉश करना है फेस को अच्छी तरीके से, कोई भी फेस वॉश से। इसी तरह आपने इसे रोज़ाना इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा होगा, आपकी स्किन को ये टाइट भी करेगा, ग्लो भी करेगा और आपके पोर्स को ये श्रिंक भी करेगा। बाकी है कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकती हैं, वहाँ पर भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला अज़ीम। अल्लाह हाफिज़।